प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट से की वार्ता। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं से की चर्चा। कहा, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करवाया जाएगा और अधिक ऋण। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 6 महीने से जारी प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। रबी की भारी पैदावार के कारण मूल्य में कमी के अनुमान को देखते हुए किसानों के हित में उठाया कदम। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से राष्ट्रपति से करवाया अवगत। हिंसा मामले में अब तक 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। केंद्र सरकार जल्द करेगी कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत। कौशल विकास के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन के लिए स्कूली शिक्षा के साथ जुड़ेगी योजना। सऊदी अरब ने पर्यटन, खेल और निवेश के लिए बनाए 3 नए मंत्रालय। शाही आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल में हुआ बड़ा फेरबदल। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, 9 घायल। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले सबसे अधिक प्रभावित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा केंद्रों संबंधी जानकारी के लिए जारी किया ऐप। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में होगी आसानी। भारत ने कोरोना वायरस COVID-19 प्रभावित चीन को पहुंचाई आपात चिकित्सा मदद। भारतीय वायुसेना के विमान ने वुहान में उपलब्ध करवाई सामग्री। अब खबरें खेल जगत से। मेलबर्न में ICC 2020 महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने तीसरे ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को 3 रनों से हराया। सेमीफाइनल में पक्की की जगह।